हेलो लर्नर्स वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जिससे हम कैले हेमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे यूजिंग के एफएक्स एफेक्ट्स नाइन नाइन वन एम एस यहाँ पर एक थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसमें हमें कैले हेमल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है वेरीफिकेशन के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत होगी तो हम मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिटर्मिनट ऑफ ए माइनस करते हैं यानी कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स में से किया जाता है उसके बाद इस को हम एक्सपांड करते हैं और इससे सिम्प्लीफाइड जो एक्सप्रेशन आता है वो एक क्यूबिकल इक्वेशन होती है लेमडा में जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं इस इक्वेशन को फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ जिसके लिए हम लैमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इनटू लैमडा स्क्वायर प्लस प्रिंसिपल डायगोनल के माइनस हैं उनका सम इनटू लैमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो यूज करते हुए इसको फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी हम कैलकुलेटर से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं अब कैले हेमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ जहां जहां पर लेमडा है उसके प्लेस पर अगर हम ए कर देते हैं और जहाँ कांस्टेंट टर्म है वहाँ उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें जीरो मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा तो सेम ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स हमें मिल जाना चाहिए तो थ्योरम वेरीफाई हो जाती है इसके लिए हमें ए क्यूब ए स्क्वायर ए और I की जरूरत होगी जिसमें से हमें ए क्यूब और ए स्क्वायर फाइंड करना है बाकी वैल्यूज हम आसानी से लिख सकते हैं अब हम ऑन करेंगे मोड को थ्री टाइम्स प्रेस करेंगे इसके बाद टू प्रेस करेंगे जिससे हमें मैट्रिक्स मोड मिल जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा MAT अब हम शिफ्ट बटन के साथ 4 को प्रेस करेंगे क्योंकि 4 के ऊपर भी MAT लिखा हुआ है येलो कलर से इसलिए ये शिफ्ट बटन के साथ यूज होता है इसमें हमें डायमेंशन सेट करनी होती है तो हम 1 प्रेस करेंगे अब हम तीन मैट्रिसेस एंटर कर सकते हैं A B एंड C हमें एक ही मैट्रिक्स एंटर करना है तो हम 1 प्रेस करेंगे हम मैट्रिक्स A में डायमेंशन एंटर करेंगे थ्री एन के लिए भी थ्री यहाँ पर हमसे एंट्रीज पूछी जा रही हैं यानी ए वन वन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जिसकी वैल्यू वन है इसी तरह से ए वन टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट जो कि टू है इक्वल टू प्रेस करेंगे फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट जो कि वन है इक्वल टू प्रेस करेंगे इसी तरह से ज़ीरो वन माइनस वन प्रेस करेंगे ज़ीरो वन माइनस वन देन थ्री माइनस वन वन अब हम इन एंट्रीज़ को एरो बटन से चेक भी कर सकते हैं वन टू वन ये फर्स्ट रो हो गई ज़ीरो वन माइनस वन सेकेंड रो थ्री माइनस वन वन थर्ड रो और अगर हमें यहाँ पर कोई एंट्री चेंज करनी हो तो हम एडिट में जाकर चेंज भी कर सकते हैं अब ए सी बटन को प्रेस करेंगे अब हमें ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो हम शिफ्ट के साथ फोर को प्रेस करेंगे और मैट्रिक्स में जाएंगे यूजिंग थ्री हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसे हम वन प्रेस करके कॉल कर सकते हैं अब हम एक्स स्क्वायर प्रेस करेंगे जिससे हमें मैट्रिक्स ए स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है इक्वल टू प्रेस करेंगे अब हमें आंसर दिख रहा है ये आंसर में आ जाएगा आंसर का वन वन यानी फर्स्ट पोजीशन पर फोर आएगा अब एरो लगा हुआ है इसलिए हम एरो बटन प्रेस करेंगे जिससे हमें सेकेंड एलिमेंट थ्री थर्ड एलिमेंट जीरो देन माइनस थ्री टू माइनस टू सिक्स फोर फाइव ये वैल्यूज मिल जाएंगी अब हमें ए क्यूब फाइंड करना है जिसके लिए हम मैट्रिक्स ए और आंसर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और या फिर हम मैट्रिक्स ए को डायरेक्टली टू पार थ्री कर सकते हैं इसके लिए शिफ्ट बटन के साथ फोर प्रेस करेंगे मैट्रिक्स में जाएंगे मैट्रिक्स ए को वन से कॉल करेंगे अब हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायेर के ऊपर येलो कलर से एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो हम शिफ्ट के साथ एक्स स्क्वायर प्रेस करेंगे जिससे हमें मैट्रिक्स एक का क्यूब मिल जाएगा इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे इससे हमें एक क्यूब का आंसर मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन पर फोर एरो बटन से आगे जाएंगे एलेवन वन सेकेंड रो माइनस नाइन माइनस टू माइनस सेवन थर्ड रो ट्वेंटी वन एलेवन एंड सेवन तो इस तरह से हम ए स्क्वायर और ए क्यूब आसानी से फाइंड कर सकते हैं अब हमें ये वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है और उन्हें ऐड करना है सब करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए अब जो एक क्यूब आया है वो फिलहाल आंसर में स्टोर्ड है अब हमें इस ए क्यूब में से माइनस थ्री ए स्क्वायर करना है तो हम ए सी बटन को प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ मैट्रिक्स प्रेस करेंगे अगेन थ्री प्रेस करेंगे और आंसर फोर में स्टोर्ड है इसलिए फोर प्रेस करेंगे यानी कि हमने एक क्यूब लिखा है माइनस थ्री अब थ्री अगर हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें ए स्क्वायर करना है तो इसके लिए हम शिफ्ट के साथ मैट्रिक्स थ्री प्रेस करके चले जाएंगे इसमें हमें फर्स्ट चाहिए मैट्रिक्स ए इसका स्क्वायर चाहिए इसलिए एक्स स्क्वायर अब हम माइनस करेंगे मैट्रिक्स ए तो इसके लिए हम शिफ्ट के साथ फिर से फोर प्रेस करेंगे थ्री प्रेस करेंगे और वन प्रेस करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अब हम इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा माइनस नाइन ज़ीरो 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 माइनस नाइन ज़ीरो 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 माइनस नाइन हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल माइनस नाइन है और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नाइन मल्टीप्लाई होगा जिससे हमें नाइन 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 डायगोनल में मिलेगा तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा तो इस तरह से हम कैले हेमिल्टन थ्योरम को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग के सीओ एफेक्ट्स नाइन नाइन वन एम एस इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग